हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नागराज की एक धमाकेदार कॉमिक्स इन्फेक्टेड। ये कॉमिक्स नरकनाशक नागराज की है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पापा, मुझे मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं, वो आ रहे हैं पापा, बहुत सारे हैं वो। तू घबरा मत माही, मेरे होते हुए यह तुझे छू भी नहीं सकते। इनको तेरे पास भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि यह सभी है इन्फेक्टेड। डेट 4 अक्टूबर, टाइम 11:45, बेंगलोर, ऊटी हाईवे, नियर एमके रिसर्च सेंटर। मौसम काफ़ी ख़राब है, लगता है बारिश आने वाली है। आगे जंगल भी शुरू हो रहा है, हमें सुबह तक रुक जाना चाहिए था। चिल यार पिया, नाइट ड्राइव का अलग ही थ्रिल होता है, जस्ट एंजॉय। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि हम सुबह तक ऊटी पहुँच जाए अपने नए फार्म हाउस पर, हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए। सो स्वीट ऑफ यू तरुण, पर सामने देखकर ड्राइव करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे, आधी रात को इस सुनसान हाईवे पर कौन कमबख्त मरने आएगा। शिट, ओ माई गॉड, ब्राक, स्क्रैच। तो तरुण, वो जिंदा है या मर गया? आई डोंट नो पिया, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ उसे। आप ठीक तो हैं मिस्टर? मुझे माफ़ कीजिए, मैंने गाड़ी रोकने की भरसक कोशिश की। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट द हेक, खच, आह, बड़ा। तुम ठीक तो हो ना तरुण? वह तुम्हें काट क्यों रहा था? पता नहीं, कोई इन्फेक्शन था इसे शायद, कहीं मैं भी इन्फेक्टेड ना हो जाऊं। बहुत जोर से काटा है हरामजादे ने, पूरा मांस ही खींच लिया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तरुण। तरुण, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं पिया, जहां उसने काटा था हाथ का वो हिस्सा ऐसे जल रहा है जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। हे भगवान, क्या हो रहा है तुम्हें तरुण? सबसे पहले तरुण की ब्लीडिंग का इलाज करना होगा। तरुण, ई, ओ माय गॉड, इसका चेहरा, यह तो भड़ाक। मुझे उस लड़की को देखना होगा। आप ठीक हैं? उसने आपको काटा तो नहीं? सुबुक, क्या हुआ मेरे पति को? यू बास्टर्ड, यू किल्ड माई हस्बैंड। कंट्रोल योर सेल्फ मैडम, अब वो आपका हस्बैंड नहीं रहा, वो इन्फेक्टेड हो गया है। मगर मैं उसे नहीं मारता तो वो या तो आपको इन्फेक्ट कर देता या फिर, होली लॉर्ड हैव मर्सी। क्या हो गया मेरे तरुण को? थार, इसके दांतों से बचना होगा, यदि इसने हमें काट लिया तो हम भी इसकी तरह हो जाएंगे। परंतु जिस्म दो भागों में बटने के बाद भी यह जिंदा कैसे है? इन्फेक्शन की वजह से। जब तक इसका दिमाग सही सलामत रहेगा यह मरेगा नहीं, हमें इसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना होगा। वायरस ने इसके प्राइमरी सेंसेस को एम्पलीफाई कर दिया है, इसीलिए यह खुद पर हुए हमले से अपना बचाव करने में सक्षम है। पटाख। तरुण, सुबह आपके पति का मौत का मुझे खेद है, पर जिंदा तो वो वैसे भी नहीं थे। तुम कौन हो? कैसे जानते हो इस इन्फेक्शन के बारे में? देखिए मैडम, यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है। हजारों लोगों की जाने दांव पर लगी हुई है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अगर कोई दूसरा इन्फेक्टेड आस पास हुआ तो हम उसके लिए आसान शिकार होंगे। मेरा घर पास के ही गांव में है, आप वहां सुरक्षित रहेंगी। हेलो, मैं थॉमस बोल रहा हूं, एक बुरी खबर है, प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका है। वन डे अर्लियर, डेट 3 अक्टूबर, टाइम 11:45 PM, प्लेस हसनपुर विलेज, नियर बेंगलोर। मम्मा मम्मा, हमारे गार्डन में कुछ है मम्मा। माही, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू
ठीक तो है ना? मम्मा, हमारे गार्डन में ढेर सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है मम्मा। तुमने सपना देखा होगा मेरी बच्ची। नजरों की निजामत से तो ईश्वर ने तुझे जन्म से ही महरूम रखा है मेरी बच्ची, तू कुछ भी भला कैसे देख सकती है? नहीं मम्मा, मैंने सच्ची में गार्डन में मॉन्स्टर्स देखे। आप बाहर देखो ना, गार्डन में कोई नहीं है माही। मैंने कहा ना, तूने कोई सपना देखा होगा। मम्मा मुझे डर लग रहा है, मैं हूं ना तेरे पास। मम्मा सारी रात अपनी माही के पास बैठेगी, अगर किसी गंदे मॉन्स्टर ने माही को परेशान करने की कोशिश की तो मम्मा मॉन्स्टर को मार के भगा देगी। मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, पापा कब आएंगे? पापा बहुत ही जल्दी आएंगे, बस एक बार उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर पापा भाग कर अपनी माही के पास आ जाएंगे। डेट 4 अक्टूबर 2009, टाइम 9 AM, प्लेस सेंट स्टीफन सिमेट्री नियर बेंगलोर। ओए पाली, सब गोल फर्नल पर रो रहे हैं और तू खुश हो रहा है? अबे यह जो मर गया है ना, इससे मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए थे, समझा? ही। अबे ये कॉफिन में हलचल कैसी हो रही है? लगता है मुर्दा अपना उधार वापस लेने आ रहा है। हाँ 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 खट खट। अबे यह तो सचमुच जिंदा हो गया। हर्र, नहीं, भागो भागो भागो। हर्र, फचाक। होली लॉर्ड, ओ जीसस। डेट 4 अक्टूबर 2009, टाइम 10 AM, नेवकेटन क्रिमेशन ग्राउंड रोहतक हरियाणा। उफ, चिता पर से अब जला मुर्दा उठ खड़ा हुआ है। भोपाल, MP, मध्य प्रदेश। आह शर्मा जी, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। भू भू, धैर्य रखे भाई साहब, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। डेट 4 अक्टूबर 2009, टाइम 11 AM, प्लेस नियर सेंट स्टीफन सिमेट्री। यह हमारी लास्ट वार्निंग है, सभी लोग अपनी जगह रुक जाए वरना हमें मजबूरन आप लोगों पर गोलियां चलानी पड़ेगी। भूतों के सामने गला फाड़ कर क्या फायदा सर जी, यह सड़ी गली लाशें हमारी वार्निंग नहीं मानने वाली। शट अप, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब जरूर किसी इन्फेक्शन से ग्रस्त है इसलिए इनके शरीर सड़ रहे हैं। आंसू गैस फेंको, फिस। इन पर तो टीयर गैस का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा, कैसा इन्फेक्शन है यह? सर जी जरा पीछे पलट कर देखो। ओह वह लोग तो हम लोगों को घेर रहे हैं, अब क्या करें सर, अब कोई चारा नहीं है। ओपन फायर, जिंग जिंग जिंग, बैंग बैंग, जूम ब्लाम ब्लाम, बम बम, बैंग बैंग। सर गोलियां तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही, सिर्फ वही मर रहे हैं जिनके सर के पर खच्चे उड़ रहे हैं। इनके सर को टारगेट करो। हमारी सभी गोलियां खत्म हो गई सर, अपनी जान बचाकर भागो। हुर्र, हुर्र। काओ 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 काओ, वुफ वुफ, क्यों क्यों, ची ची क्रॉंग। हुर्र, हुर्र, हुर्र। अरे यह कुत्ता कहाँ से आ गया? इसकी आंखें देखो, मुंह से लार भी गिर रही है, यह पागल हो गया है, कहीं किसी को काट न ले। हाँ बचाओ, अरे उस बच्ची को बचाओ, मर बदमाश, मारो मारो, खोपड़ी कोड़ तोड़ दो कमीने की। मर गया बदमाश, बहुत जीवट वाला था, सर के टुकड़े टुकड़े हुए तब मरा। बच्ची बेहोश हो गई है, इसे फौरन अस्पताल लेना जाना चाहिए। परंतु इसे ले कैसे जाएंगे, पुलिस चारों ओर नाकाबंदी कर रही है, सुना है कोई भयानक बीमारी आसपास फैली हुई है, जिसे भी लग जाए वो इन्फेक्टेड हो जाता है, कहीं यही बीमारी उस कुत्ते को भी तो नहीं लग गई थी। हुर्र, हुर्र, आह इसे भी कुत्ते की बीमारी लग गई है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही, ये रोमांचक कॉमिक जारी है,
अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।